क्लास 9 मैथमेटिक्स के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के। स्टैटिस्टिक्स के इस वीडियो की इस पार्ट में हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी मींस एक्सरसाइज 14.4 किन फार्मूले के बेस पर सॉल्व किया जाएगा। चलिए हम उसको देखते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज 14.4 है वो डिपेंड कर रही है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ड पर ये एक्सरसाइज है। कितने टाइप से किसी भी डाटा का सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड किया जा सकता है, उसके लिए आप याद रखिएगा सेंट्रल टेंडेंसी 5 वे से फाइंड करते हैं। एक तो होता है अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन। तीसरा है हार्मोनिक मीन, सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट है या। तीसरा है हार्मोनिक मीन। और नेक्स्ट आप बात करेंगे अगर फोर्थ पार्ट की तो मीडियन, एंड लास्ट फिफ्थ पार्ट मोड। किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी के 5 पार्ट से हम सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। अरिथमेटिक मीन जनरली नोन एज मीन के नाम से इसको हम जानते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज वैल्यूज या एवरेज मीन के नाम से भी हम अरिथमेटिक मीन को जानते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज 14.4 है, दरअसल ये ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक है, वो क्लास 11th में आप लोग पढ़ेंगे। बाकी मीन, मीडियन, मोड से मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपको, और साथ ही साथ कुछ फॉर्मूले यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड के हम पढ़ लेते हैं। कुछ क्लास 10th में पढ़ना पड़ता है, और इसी तरह से क्लास 11th में भी मीन, मीडियन के क्वेश्चंस मिलते हैं आपसे। क्वेश्चन हमारी जो एक्सरसाइज अभी 14.4 है वह अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड पर डिपेंड कर रही है। किस तरह के डाटा दिए जाएंगे और कैसे हम अरिथमेटिक मीन या मीन, एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मोड कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम वन बाय वन चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जब डाटाज गिवन होंगे तो उनके मीन, जिसको आप जनरली एवरेज वैल्यू या एवरेज मीन के नाम से भी जानते हैं, एवरेज वर्ड ही यूज किया जाता है मीन के लिए। एवरेज वैल्यू अगर आपसे पूछ देता है या इसको अरिथमेटिक मीन अगर पूछता है तब भी आप इसको यूज करते हैं। अरिथमेटिक मीन अगर पूछा जाता है तब भी आप यूज करते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AM के नाम से जानते हैं। हम यहां पर मीन को लेकर चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा मीन कैसे फाइंड कर रहे हैं। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला, व्हेन डाटा इज ओनली गिवन हो, डाटा किस तरह से गिवन हो, जरा इसको एक बार मैं रब कर रहा हूं पहले, क्योंकि हम यहां वन बाय वन मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए डाटा इज गिवन होते, ओनली व्हेन डाटा इज गिवन है, डाटा मतलब वो ओनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसको अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं, मीन कैसे फाइंड करेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले व्हेन अनग्रुप्ड डाटा आर गिवन होते हैं, अनग्रुप्ड डाटाज आर गिवेन, व्हेन अनग्रुप डाटाज आर गिवेन। अनग्रुप डाटाज कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए अनग्रुप डाटा में कोई डाटाज दे दी, जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं इसको एग्जांपल लेकर चलता हूं और उसके बाद के उस फॉर्मूले पर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6 या समथिंग इस तरह से दिए हो आप, मान लीजिए 7, ये डाटाज गिवेन है, ठीक है ना। ये हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 8 स्टूडेंट के कोई यूनिट टेस्ट हुआ है, 8 बच्चों के कोई यूनिट टेस्ट हुआ है, उनमें उनके मार्क्स है। मार्क्स जो है यहाँ आप मान लीजिए ये जो डाटाज हैं वो मार्क्स हैं, मार्क्स इतना आर गिवेन है, आपसे पूछा जाए कि आर गिवेन है मार्क्स, आप 8 स्टूडेंट इन यूनिट टेस्ट आर गिवेन, आपसे पूछा जाए कि इन नंबर्स का, ये जो डाटाज गिवेन है इसका मीन कितना होगा या एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है ना। तो जब मीन फाइंड करना होता है व्हेन ओनली डाटाज गिवेन होते हैं, देखिए ग्रुपिंग नहीं की गई है, डनली बिखेर दिया गया है, डायरेक्टली ऐसे लिख दिया गया है, इसलिए इसको अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं, ग्रुपिंग नहीं बनाई गई है, यह अनग्रुप्ड डाटा है।
अनग्रुप्ड डाटा का मीन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले फॉर्मूला याद करिए। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये डाटाज बोल सकते हैं या इनको ऑब्जर्वेशन भी बोला करते हैं, तो सम ऑफ ऑल डाटाज या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन होते हैं समटाइम्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर के नाम से जानते हैं, तो कभी कभी फार्मूला आपको इस तरह से मिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव न होकर क्या होता है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री होता, तो मैं उसको इस तरह से लिखता कि जो भी ऑब्जर्वेशन हैं उनका नाम अगर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री होता या वह आठ तक होते और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, इनकी संख्या कितनी है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूँ तभी आपको फार्मूला क्लियर होगा। मीन विच इज इक्वल टू इन अनग्रुप डाटा का मीन क्या होगा, हम इन सभी को एड कर देंगे, यह होता ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस वन प्लस फाइव प्लस सिक्स एंड प्लस सेवन अपॉन इन कितने नंबर्स में है, तो ये काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये टोटल आठ की संख्या में है, एट नंबर में है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो इनके नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इन ऑब्जर्वेशन का सम कर लेते हैं कितना आता है, देखिए टू प्लस वन थ्री, थ्री सिक्स, सिक्स पर प्लस फोर टेन, टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस सिक्स, सिक्सटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी, टू प्लस सेवन ट्वेंटी नाइन अपॉन एट, या इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ये निकल जाता है मीन। तो मीन निकालने का पहला फार्मूला मैंने दिया कि जब डाटाज आपको अनग्रुप्ड दिया हो, ऐसे लिखा हो, तो ऐसे केसेस में मीन निकालने के लिए इन सभी डाटाज को एड कर दीजिए अपॉन टोटल नंबर कितनी संख्या में अवेलेबल है, रिपीट कर रहा हो डाटा या नहीं रिपीट कर रहा हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप ये देखिए कितनी संख्या में है उनसे डिवाइड कर देंगे मीन निकल आएगा। मीन को जनरली एवरेज वैल्यू या एवरेज मीन बोल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन नाम देता है, या इसको अगर नोटेशन में की बात करें तो मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स बार मींस इन डाटास का मीन कितना आया, अगर वह एक्स बार है तो वह 29 अपॉन 8 आ गया, 29 अपॉन 8 आ गया। तो मीन फाइंड करने का पहला मेथड मैंने बता दिया, जब डाटा अनग्रुप्ड डाटाज हैं और उनके मीन फाइंड करना हो तो उनको एड कर उसके नंबर से डिवाइड कर देंगे। दूसरी कंडीशन, अगर दूसरा कंडीशन मीन में कैसे मिलता है, दूसरा मिलता है जब अनग्रुप्ड डाटाज हो लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी की बैन होती है, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा मेथड, व्हेन अनग्रुप्ड डाटाज की बैन हो लेकिन साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी की बैन हो, व्हेन अनग्रुप्ड डाटाज या फ्रीक्वेंसी, व्हेन अनग्रुप्ड डाटाज एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर गिवन हो, ऐसे केसेस में मीन निकालने का फॉर्मूले की बात करते हैं। दूसरा मेथड, व्हेन अनग्रुप्ड डाटाज, अनग्रुप्ड डाटाज, व्हेन अनग्रुप्ड डाटाज एंड फ्रीक्वेंसी आर गिवन, या ओनली आप मान लीजिए ओनली फ्रीक्वेंसी दिया हो, इसके लिए भी आप एक एग्जांपल को देखिए। फॉर एग्जांपल, हम यहां पर इसके समझाने के लिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है। फाइव स्टूडेंट मान लीजिए हमने ले लिए, हमने यहां पर ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट और उनके मार्क्स, तो यहां आप मान लीजिए मार्क्स ले लिए और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी नोन एज फ्रीक्वेंसी बोली जाती है, मार्क्स दे दिए, पांच नंबर पाने वाले कुल मिलाकर मान लीजिए दो स्टूडेंट हो गए, थ्री मार्क्स पाने वाले कुल मिलाकर वन स्टूडेंट हो गए, फोर मार्क्स पाने वाले कोई भी बच्चे नहीं है, सपोज कीजिए इस तरह से डाटाज गिवन हो। फाइव मार्क्स पाने वाले, या आप ले लीजिए नेक्स्ट, वन मार्क्स पाने वाले कितने हैं कुल मिलाकर मान लीजिए फाइव स्टूडेंट हो गए, टू मार्क्स पाने वाले सपोज कीजिए थ्री स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से अगर डाटाज दिए जाते हैं, अभी हम अनग्रुप्ड की बात कर रहे हैं बिकॉज ये मार्क्स है, और ये जो दिया जाता है इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट या
इसको ही फ्रीक्वेंसी बोला करते हैं आप। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, जिसको जनरली एफ से डिनोट करते हैं। ये जो मार्क्स दिया जाएगा उसको रिप्रेजेंट कर लीजिए एक्स से। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स से। ऐसे केसेस में जब अनग्रुप्ड डाटा हो उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दिया गया, जैसा मैंने रीडिंग कर बताया। इस केसेस में मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है? मीन कैसे निकलेगा? मीन निकलता है, हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ इंटू एक्स। यहां पर एफ आई इंटू एक्स आई के नाम से देते हैं, बिकॉज आई और एक्स आई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एफ रिप्रेजेंट करेंगे तो ओनली इसका नाम है, एफ आई रिप्रेजेंट करेंगे तो वह एफ आई मीन्स आई फॉर 1 2 3 4 5 हो सकता है, मतलब एफ 1 एफ 2 एफ 3 एफ 4 एफ 5, ऐसे बोलिए एफ 5 एफ 1 एफ 2 एफ 3, या इसको एफ 5 बोल दीजिए। उसी तरह से एक्स आई का मतलब हो गया एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स 4 एक्स 5, या आप इसको एफ मान लेते हैं इसको एक्स मान लेते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 10 कितना? 2 कितना हुआ? 10। 3 इंटू 1 कितना होता है? 3। 4 इंटू 0 0, 1 इंटू 5 इज 5 एंड 2 इंटू 3 इज 6। आप इनका मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड कर दीजिए, और साथ ही साथ ये फ्रीक्वेंसी, ये जो एफ बन रहा है जिसको सिग्मा लगा देते हैं, इसका मतलब इसका सम करना है। ये सिग्मा सिंबल है, सिग्मा सिग्मा मतलब इनका जोड़। अगर नहीं लिख पा रहे तो डायरेक्टली आप इसको ऐड कर दीजिए। कितना होगा? 2 प्लस 1 3, 3 6, 6 5 11। इधर भी आप इनको ऐड कर दीजिए। ये कितना है? 13। 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 6 इज 24, जो कि सिग्मा एफ आई एक्स आई है, या आप इसको मान लीजिए कि इसका सम हो गया, किसका? एफ और एक्स के मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिला उसका सम है। अब मीन का हमने फार्मूला बताया अनग्रुप डाटा और फ्रीक्वेंसी की, बहनों ऐसे केसेस में मीन का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे क्या? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल दिस डाटा। इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब फ्रीक्वेंसीज गिवेन हो, डाटाज गिवेन हो, ऐसे केसेस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जब इनको ऐड करते हैं वह आया हमारे पास 24, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी का सम कर लीजिए कितना है भाई? 11 है। ये हो गया मीन निकालने का दूसरा फार्मूला, जब डाटास के साथ साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर आप मीन निकालेंगे। आप मीन निकालने का ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अब ग्रुप्ड की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है अनग्रुप्ड तक ही चल रहा है, ग्रुपिंग का कोई क्वेश्चन मुझे लगता है एक्सरसाइज में नहीं दिया है, इसलिए हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे। क्लास 10th में पहुंचेंगे तब मिलेंगे आपसे, वहां पर आप देखिएगा। तो मीन निकालने के लिए जब क्या दिया हो, एक्स की वैल्यू दी गई हो, एफ दिया हो, फ्रीक्वेंसी दिया हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर ऐड कर दीजिए। टोटल नंबर आप फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे तो आपको मीन निकल आएगा। ये दूसरा मेथड हुआ, वैसे मीन निकालने का और फार्मूले हैं लेकिन वो नहीं पढ़ना अभी। अब आगे चलते हैं, हमने मीन निकालने का दो कॉन्सेप्ट बता दिए। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। मीडियन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं, हम उसकी बात करेंगे, बिकॉज डायरेक्ट मेथड ही क्वेश्चन पूछाया गया है। अब आते हैं दूसरा हमें पढ़ना है, जो एक्सरसाइज 14.4 डिपेंड कर रही है, वो मीडियन पर डिपेंड कर रही है। मीडियन क्या है? मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। यहां पर किसके लिए हम बात करेंगे? फॉर अनग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा, ओके, अनग्रुप्ड डाटा या ऑब्जर्वेशन गिवेन हो, ऐसे केसेस में मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो नोट लिखिएगा, लाइन लिख लीजिए, क्वेश्चन समझा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो डाटा अनग्रुप डाटा, जैसे 1 2 3 4 5 दिया हो, या 1 दिया हो, 2 दिया हो, अभी मैंने एग्जांपल लेकर पहला क्वेश्चन बताया था, वैसे ही अगर अनग्रुप डाटा दिए होंगे तो उसको अरेंज कीजिए, अरेंज इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करेंगे। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिखेंगे। सबसे पहले डाटास को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद आप काउंट करेंगे, काउंट करेंगे कि एन की वैल्यू कितनी है। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, टोटल नंबर ऑफ डाटास कितनी है, जिसको मैंने बोला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं
उसको काउंट कर लेंगे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन कहानी शुरू होगी। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपको ये पता करना है। अगर मान लीजिए जो डाटास दिया है वह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होता, क्वेश्चन अभी लेकर बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए पहले। अगर पहला कंडीशन यहां पर लिख लीजिए, इफ एन की वैल्यू आपको इवन मिलता, मतलब मान लीजिए कुल मिलाकर 10 डाटास दिया होता या 8 दिया होता या 4 दिया होता, जब ऑब्जर्वेशन आपके इवन होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो टोटल है वह इवन है, ऐसे केसेस में मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भाई, मीडियन जिसको शॉर्ट फॉर्म में MD लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू क्या होगा, वह होगा एन बाई टू टीएथ ऑब्जर्वेशन, टीएथ ऑब्जर्वेशन कैसे होगा बात करेंगे अभी, प्लस एन बाई टू प्लस वन टीएथ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, ये अपॉन टू कर देंगे, ये आपकी जो निकलेगी वैल्यू वह मीडियन निकलेगी अनग्रुप डाटास के लिए, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका इवन होगा। और दूसरा केसेस है, मीडियन तब कैसे निकलेगा जब n की वैल्यू, n ऑब्जर्वेशन जो है वह कुल मिलाकर 8 दिया हो, 5 डाटा दिया हो, 7 दिया हो, 9 दिया हो, ऐसे केसेस में मीडियन कैसे निकालेंगे, ये 8 दिया हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, 8 हो, ऐसे केसेस में मीडियन निकालने के लिए, एम डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें 1 ऐड कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ, ये टीएथ ऑब्जर्वेशन, और यही ऑब्जर्वेशन जो होगा वो हम डाटास के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से देखते हैं, ये उसका मीडियन होगा। क्वेश्चन में दिया है, समझा देंगे आपको क्वेश्चन से, ये फॉर्मूला था, आप जरा इसको नोट रखेंगे, ठीक है। मीडियन मैंने आपको बता दिया, जब अनग्रुप डाटाज होंगे उसको मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, इन्हीं फॉर्मूले का हम यूज कर एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे तो इसको आराम से समझा देते हैं, एग्जाम्पल भी लेकर समझ सकते हैं, लेकिन आप वहां पर देखें ज्यादा अच्छा रहेगा, यूटी का वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, अगर आपने ये दो पढ़ लिए तो तीसरा जो पढ़ना होता है मोड के बारे में पढ़ना होता है, मोड के बारे में पढ़ना है। मोड का मतलब होता है कोई भी नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही है किसी भी अनग्रुप डाटास के लिए, वह उसका मोड हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया हो 1 1 2 2 2 3 4 3 3 3 5, अगर हमारे पास यह ऑब्जर्वेशन दिया है और मुझसे पूछा गया कि यह अनग्रुप डाटास दिए हैं इनको देखकर बताइए कि मोड क्या हो सकता है, तो मोड का मतलब होता है कि इसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगी वह उस डाटास या उस ऑब्जर्वेशन का मोड होगा। इसमें अगर देखा जाए तो 1 यहां पर 2 टाइम्स आ रहा है, 2 यहां पर 3 टाइम्स आ रहा है, लेकिन 3 की बात करें तो 3 1 2 3 4 सबसे ज्यादा बार इस डाटास में ऑब्जर्वेशन में 3 आ रही है, जो कि 4 बार आ रही, 4 टाइम्स आ रहा है। इसीलिए मोड ऑफ दिस अनग्रुप्ड डाटास का कितना होगा, 3 होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही है, मोस्ट टाइम्स वो लिखी जा रही है यहां पर। तो मीन मीडियन मोड मैंने आपका जो एक्सरसाइज 4.3.4 है जिन पर डिपेंड कर रहा वो मैंने आपको यहां बताया। अब आप जरा जरा एक्सरसाइज शुरू कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन आपको मीन मीडियन मोड कैसे सॉल्व करना पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक बार जरा फॉर्मूला नोट कर लीजिए पहले। एक्सरसाइज 14.4 में, एक्सरसाइज 14.4 का नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो कह रहा, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वेयर स्कोर्ड बाई अ टीम इन सीरीज ऑफ 10 मैचेस, 10 मैच उन्होंने खेले उसमें उनका जो गोल आया है वो दिया है, दिज आर 2 3, ये आपका 3 है, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 and 3, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दिस स्कोर्स। अब आइए एक्सरसाइज में चलते हैं, इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, मुझे लगता है इसके बाद सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। मीन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, सोल्यूशन लेकर चलते हैं, मीन हमें कैसे फाइंड करना है,
मीन फाइंड करने जा रहे हैं। मीन के लिए इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है। मीन निकालने के लिए फार्मूला मैंने बताया था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही बताया था फार्मूला, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब हो गया इन सबको ऐड कर दीजिए, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 अपॉन कितने हैं, 10 है, बिकॉज काउंट कर लीजिए, ये 10 मैचेस का उनका स्कोर है या गोल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 से डिवाइड कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू 2 + 3 4 5 4 9 9 5 14 1 15 15 + 3 18 18 + 3 21 21 + 4 25 and 25 + 3 28 upon 10, which is 2.8 इनका मीन मिल गया, ठीक है। मीन कैलकुलेट हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं, मीडियन फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। मीडियन के लिए मैंने पहला तरीका बताया था, इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं इसको लिख रहा हूं। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीज करते हुए लिख रहा हूं। सबसे छोटी डाटा देखा जाए तो 0 है, नेक्स्ट क्या होगा 1 हो जाएंगे, 0 1, नेक्स्ट 1 के बाद क्या आएंगे 2 आएंगे, ठीक है, 2 और नहीं है, फिर 3 है, एक बार 3, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, मतलब 3-4 टाइम्स लिखा गया है, फिर 4 है, 4-2 टाइम्स लिखा गया है। आपको इसको लिखना है इंक्रीज या डिक्रीज ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं इसको, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने लिख दे कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद मीडियन निकालने के लिए उसके बाद क्या करेंगे, इनकी नंबर्स को काउंट कर लीजिए, ये कितने नंबर में है, ये कुल मिलाकर 10 है, कितने हैं 10 है, इसलिए यहां n इज इक्वल टू 10 होगा, जो कि एक इवेंट डाटा है। क्या है, एक इवेंट डाटा है। जब इवेंट डाटा की बात करें तो मैंने अभी फार्मूला नोट कराया था, ऐसे केसेस में मीडियन इज इक्वल टू होते हैं n बाय 2 tth ऑब्जर्वेशन, ये नहीं लिखवाया था फार्मूला, n बाय 2 tth ऑब्जर्वेशन n प्लस n बाय 2 प्लस 1 tth ऑब्जर्वेशन, tth ऑब्जर्वेशन अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा अपॉन 2 अपॉन 2 आ गया। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, n इज इक्वल टू 10 है, सो ये आ जाएगा 10 बाय 2 tth डाटा और प्लस n बाय 2 है, दैट मीन्स 10 बाय 2 प्लस 1 tth ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 10 बाय 2 कितना आएगा 5th ऑब्जर्वेशन और प्लस यहां देखिए ये 5 हो गया एंड 5 प्लस 1 इज 6, नेक्स्ट हो जाएगा 6th ऑब्जर्वेशन, 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 5th ऑब्जर्वेशन। इन असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, काउंट करिए जरा, 5th 1 2 3 4 5, 5 कौन सा है 3 है, तो मैंने 5th ऑब्जर्वेशन 3 लिख दिया और 6th ऑब्जर्वेशन कितना होगा, ये 6th है तो 6th ऑब्जर्वेशन फिर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, वो भी 3 है, तो स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो आपको 6 ऑब्जर्वेशन मिलेगा, तो 3 प्लस 3 कितना हुआ 6, 6 का हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा 3, सो योर मीडियन इज 3 मिल गया, मीडियन कितना आया इसका 3 आ गया। तो मीन आपने निकाल लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। मीडियन को असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखने के बाद जो नंबर्स में है इवन या ऑड है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई कर दीजिए और आपका मीडियन निकल आएगा। अब इसमें अगर इसी क्वेश्चन में मोड की बात करें, मैं यहीं पर लिख देता हूं, छोटा सा लिखना होता है, मोड कैलकुलेशन में भी छोटा है और मोड वैसे भी छोटा है। मोड क्या होगा, सबसे ज्यादा बार अगर देखा जाए तो यहां पर मोस्ट टाइम जो रिपीट किया गया नंबर्स है वो आपका 3 है, 3 यहां 4 टाइम्स लिखा गया है,
लिखा है ना, 1, 2, 3, 4, 3 कितनी बार है, 4 टाइम्स है। बाकी कोई भी नंबर अगर देखा जाए तो उतनी ज्यादा बार या उतने टाइम्स नहीं लिखा गया है। इसलिए मोड क्या होगा, इन अनग्रुप्ड डाटास का मोड कितना होगा, 3 हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। आप एक और क्वेश्चन देखना चाहें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख लीजिए इसी तरह से, 15 का है, उसको भी कंप्लीट करा देते हैं, रब कर दें इसको, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 चलने वाला है, इसको मैं रब कर देता हूं, वैसे भी बोर्ड हमारा छोटा पड़ जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जल्दी, पहले अभी 14.4 चला रहे हैं जो कि सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ड पर है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड देखा जाता है, सेकेंड में जो डाटा दिया है उसको देखे जरा। इन मैथमेटिक्स टेस्ट गिवेन टू 15 स्टूडेंट एंड द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। मैथमेटिक्स वैसे भी नंबर कम आते हैं, ये इनके नंबर है 41, 39, 48, 52, नेक्स्ट 46, नेक्स्ट 62, नेक्स्ट 54, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 96, नेक्स्ट 52, नेक्स्ट 98, ओके, अगेन 40, 42, 52 एंड 60 है। मीन मीडियन मोड फाइंड करना है, क्लियर है। चलिए सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन निकालने के लिए आप यहां मीन दे दीजिए और मीन इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। वेरी बिग प्रॉब्लम है कैलकुलेशन इसका, 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 है ना, देख लीजिएगा 46, 62 प्लस 54 एंड प्लस 40 एंड प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 एंड नेक्स्ट इज प्लस 40 एंड प्लस 42 प्लस 52 एंड प्लस 60 एंड हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर गिवन हियर। टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन इज 15 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 15 हो गया। इनको ऐड कर लीजिए, 1, 9, 10, 10, 18, 18 plus 2, 20, 20 plus 6, 26, 26 plus 2, 28, 28 plus 4, 32, 30, 32 plus 6, 38, 38 plus 2, 40, 40, 48, 42, 48 plus 2, 50, 50, 50 plus 2, 52, which is equal to 2। Now, 5 लेकर चलते हैं, 6 plus 5, 11, 11 plus 5, 16, 16 plus 4, 20, 20 plus 4, 24, 24 plus 9, 33, 33 plus 5, 38, 38 plus 9, 47, 47 plus 4, साचारी क्या, 51, 51 plus 5, 56, 56 plus 6, 56 plus 6, 62, 62 plus 4, 66, 66 plus 5, 71, 71 plus 4, 75, 75 plus 3, 78, 78 plus 4, 82। मैंने 82 फाइंड कर लिया, अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, सम ऑफ ऑल दिस डाटा, इसको एक बार चेक कर लेंगे। आप इतना छोड़ सकते हैं या आप इसको डिवाइड करना जानते हैं तो डिवाइड कर लीजिएगा। ये आपके 3, 2 कैंसिल होगा नहीं है ना, 3, 5 जा 15, 3, 2 जा 6, 21 कैंसिल करना चाहें तो 3, 2 जा 6 एंड 3, 7 जा 21, 3, 4 जा 12 एंड 5 एंड नेक्स्ट और कहीं कैंसिल नहीं होना, डिवाइड कर लीजिएगा, 5, 5 जा 25 एंड 5, 4 जा 20, 5, 8 जा 40। आई थिंक 54.8 इसका मीन आ रहा है, अगर ये डाटा सही है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मीडियन के लिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ, नोट हो गया, ईजी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना, मीन आपने इजिली फाइंड कर लिए, ये मैंने इसको रब कर दिया। नेक्स्ट लेकर चलते हैं मीडियन के लिए, टाटा इसका सम आप कर लीजिएगा, एकदम टोटली डिपेंड मत रहिएगा हाँ, कि मैं लिख दिया वहीं सही, भाई कैलकुलेशन है, एड करते इसमें हो सकता है कहीं प्रॉब्लम आ जाए। मीडियन के लिए क्या करेंगे, इन असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में शुरू कर रहा हूँ लिखना,
अब मैं यहां से देखकर लिखता हूं 41, 39, 48 सबसे छोटा कौन सा डाटा है? सबसे छोटा देखा जाए तो 39 है, मुझे जहां तक लग रहा 39। ओके, सबसे छोटा 39 हो गया। 39 के बाद क्या आएगा भाई? 39 के बाद 40 है, 140, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 40, 39 के बाद 40, 40 के बाद 41, 41 और कहीं है? 41, नहीं 41 नहीं है। नेक्स्ट चलेगा 42 लिख दिया क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर है 42 के बाद आप देख लीजिए 42 हो गया, 42 के बाद मुझे लगता है 46 है। ओके, 46 के बाद 48, चलिए 48 हो गया। नेक्स्ट 48 के बाद 50, देखिए 50 है नहीं है, उसके बाद आपके पास 52 है ना, उसके बाद क्या 52। सो 52 इज वन टाइम्स, 52 टू टाइम्स एंड 52 थ्री टाइम्स, दिख रहा है कि मीन मोड यही होगा, 52 हो गया। 52 के बाद 54 आपका आ सकता है, 54। नेक्स्ट 54 के बाद आपके पास 60 है, नेक्स्ट आ जाएगा 60 के बाद आप देखेंगे तो 62 एंड 62 है ना, 60 के बाद 62, 62 के बाद 96 एंड 98, 96 एंड 98 हुआ। कैलकुलेशन आप देख लीजिए कुल 15 है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 डाटा मैंने लिख दिया जैसा गिवन था। अब काउंट कर लीजिए कि इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 15 है जो कि एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, ऑड नंबर के लिए मीडियन क्या होंगे, मीडियन हो जाएंगे n प्लस 1 अपॉन 2 tth ऑब्जर्वेशंस, n प्लस 2 tth ऑब्जर्वेशन, n प्लस 2 मींस n इज इक्वल टू, ये टोटल संख्या में 15 है, सो 15 प्लस 1 अपॉन 2 tth ऑब्जर्वेशन, एंड 15 प्लस 1 कितना होगा, 16 होगा, 16 का हाफ कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 16, या 15 प्लस 1 16 है, 16 को 2 से डिवाइड कर लीजिए 8 आएगा। 8th ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर में, 8th ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, स्टार्टिंग से 8th काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, विच इज 52। सो 8th ऑब्जर्वेशन इज 52, देन मीडियन ऑफ दिस डाटा इज 52 हो जाएगा, कितना होगा 52 होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें मोड पूछा है, मोड क्या हो सकता है, मोड के लिए आप क्या करते हैं, मोड के लिए नंबर ऑफ डाटा जो कि सबसे ज्यादा बार ऑकरेंस हुआ है, रिपीट कर रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड मोड। मोड में देखिए 40 कितनी है, टू टाइम्स, 41 एक है, 42 सिंगल, 52 थ्री टाइम्स है, मोस्ट ऑफ द टाइम थ्री टाइम्स, और उसके बाद कोई भी डाटा ऐसा नहीं है जो रिपीट कर रहा है। सो मोड ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन विच इज इक्वल टू 52 होगा, है ना इजी, 52 हो गया। क्वेश्चन 3, 4, 5 है, एक बार आप इसको जरा नोट कर लीजिए,